हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 45A, हिंदी की वर्कशीट है, क्लास थर्ड की, डेट है आपकी 12 अगस्त। यहाँ पे ये जो पाठ्यपुस्तक है रिमझिम से दी गई है, पाठ का नाम है मन करता है। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नेम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बिंदु एवं चंद्र बिंदु वाले शब्द, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम। बिंदु, ये देखिए, ये आपका बिंदु है और ये चंद्र बिंदु है, इन दोनों के शब्द पढ़ने वाले हैं आज हम। बच्चों, आपको दूसरी कक्षा में ऊँट वाला कविता याद है ना, ऊँट चला कविता याद है ना, शाबाश। और इसमें आइए चंद्र बिंदु बताएं। चंद्र बिंदु शब्द तो चलिए इनके बारे में कुछ नया सीखते हैं। प्रिय बच्चों, मन करता है कविता को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसमें आए शब्दों जैसे मैं, धौस, पतंग आदि शब्दों को ध्यान दीजिए। इन शब्दों का उच्चारण ध्वनि नाक से निकलती है, मतलब इनकी ध्वनि क्या है, नाक से निकलती है, और इन्हें लिखने में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब ज़रा नाक दबाकर सुंदर बंदर पंजाब, नाक दबाकर बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है, नहीं बोल पाएंगे आप ये शब्द नाक बंद करके, ठीक है। इसी तरह से लगाऊं, बढ़ाऊं, जमाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये वे शब्द हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि नाक से कम मुंह से अधिक निकलती है, मतलब नाक से कम ध्वनि निकलती है, मुंह से ज़्यादा ध्वनि निकलती है, और इन्हें लिखने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए और बोलकर पढ़िए। पंखा, झंडा, ऊँट, चांद, देखिए, डंडा, पंख, शंख, संतरा, जंगल, बंगाल, कांच, भवरा, माँ, हंसना, गांव, झांकना। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको इस तरीके से बोल बोल के पढ़ना है। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में चंद्र बिंदु वाले शब्द पर गोला लगाइए और बिंदु वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो चंद्र बिंदु वालों पे क्या करना है बच्चों, आपको गोला लगाना है। तो पहले हम चंद्र बिंदु वालों पे गोला लगा देते हैं। ये देखिए, गांव, कुएं, आमले, माँ, सांप। अब बिंदु वाले पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये अंदर नंदन हो गया, आनंद हो गया, सॉरी ये 5 है, तो 5 पे भी आप करेंगे सर्कल गोला करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अधूरे नाम को पूरा कीजिए। तो ये बच्चों देखिए अंगूर, और ये है आपका बंदर, और ये है आँख, ये है आपका बांसुरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देख लेते हैं कि बहू के लिए क्या सुझाव दिया गया है। बच्चों के साथ मिलकर परिवार के मुखिया के कार्यों की एक सूची तैयार कीजिए, जिससे बच्चों को मुखिया एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का महत्व पता चल सके। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।